नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है व्हाट। बोले सर, एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो ये जो दैट मीन्स एक्सप्रेशन है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं कहना चाहूँगा दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हर एक पैरामीटर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा पैरामीटर क्या होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरा डिटेल में हम लोग डेरिवेशन करेंगे। और दैट मीन्स ऐसे नहीं है बुक्स में दो तीन पेज का डेरिवेशन दिया हुआ, इतना बड़ा डेरिवेशन मैं करवाऊंगा, नहीं। ऐसा डेरिवेशन करेंगे सो दैट अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपका डेरिवेशन आ जाता है तो आप ये करके आएंगे तो आपका वो एक नंबर भी नहीं काटेगा। तो उसी तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहां पर देखेंगे विद सिग्निफिकेंस। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए सो दैट जो भी आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू द डीजल साइकिल दैट शुड बी क्लियर, राइट। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि सर जो डीजल साइकिल है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, क्योंकि जब तक मुझे प्रोसेसेस नहीं पता होगा, उसके बाद हम लोग पीवीटीएस डायग्राम देखेंगे, उसके बाद थर्ड टास्क मेरा होगा उसकी एक्सप्रेशन को डिराइव करने का। तो हम लोग स्टेप टू स्टेप चलेंगे सो दैट हम लोगों में कोई कंफ्यूजन भी हो वो भी हम लोगों का ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए, तो डीजल साइकिल, तो सबसे पहला हम लोग कहते हैं डीजल साइकिल के अंदर चार प्रोसेसेस होती है। कौन कौन सी? पहली रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2-3 रिकॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3-4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड 4-1 इट इज द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, राइट। ऐसा तो बोला गुरुदेव आपने तो ये कॉन्स्टेंट प्रेशर नहीं लिखा, यहां पर हमारे पास जो आना चाहिए क्या? बोला सर यहां हमारा आएगा दैट मीन देयर इज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो जो हीट रिजेक्शन होता है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर होता है, ठीक है। और ये एक क्या है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है जो हम लोग पहले ही हम लोग मान के चलते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि सर इसकी वजह से जैसे आप ऑटो साइकिल देखते हैं, ड्यूअल साइकिल देखते हैं और डीजल साइकिल देखते हैं, तो इन तीनों साइकिल में एक चीज बहुत कॉमन है, वो क्या कि सर जो कंप्रेशन है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा तीनों के अंदर, जो एक्सपांशन है वो भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा, और जो हीट रिजेक्शन है वो भी क्या होगा, तीनों ही साइकिल में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर होगा। सिर्फ एक चीज डिफर करती है, वो क्या? बोले सर हीट एडिशन। दैट्स वाई अगर मैं बात करता हूं डीजल साइकिल जो है, तो हम लोग डीजल साइकिल को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल। इट ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल। क्यों? क्योंकि द हीट एडिशन इज अकर्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल। ऐसे ही तो बोला सर ऑटो साइकिल कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोली जाएगी, बिल्कुल मेरा बच्चा। और ड्यूअल साइकिल इसलिए आप लोग मिस साइकिल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हीट एडिशन होता है फर्स्ट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड देन कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, दैट्स वाई ये अबे मिक्स साइकिल बोली जाते हैं या ड्यूअल कंबशन बोलते हैं। तो वो हमारा दैट मीन्स मैटर नहीं है, हम लोगों को ये देखना है, क्लियर है। अब जैसे ही हम लोगों ने प्रोसेसेस लिखी, प्रोसेसेस लिखने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम होने चाहिए। तो जैसा मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, आप लोग देख पा रहे होंगे सीधा सीधा कि सर ये क्या है, इट इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल। ये मेरा क्या है, बोला सर इट इज द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप जो सेमेस्टर एग्जाम के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में ये आती है तो आपको प्रोसेसेस लिखनी है, प्रोसेसेस के बाद आपको पीवी और टीएस जैसे मैं बता रहा हूं सेम उसी मैनर में चलना है सो दैट आपका एक नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनको प्रोसेसेस याद रखनी है,
क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है। दूसरा हम लोग कहते हैं पीवी टीएस डायग्राम पूछ लेता है, होता है कि पीवी पूछ ले टीएस बता दो, टीएस पूछ ले पीवी बता दो, इस तरीके से हमको देख के चलना है। तो दोनों लोगों के लिए ही ये दैट मीन्स ये वीडियो जो है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग देख सकते हैं देयर इज अ 1 टू 2 कंप्रेशन, 2 टू 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 3 टू 4 आपका एक्सपेंशन एंड 4 टू 1 आपका हीट रिजेक्शन है। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं 1 टू 2 कंप्रेशन कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड, 3 टू 4 एक्सपेंशन, 4 टू 1 एज द हीट रिजेक्शन। अब हम लोगों का मेन मोटो चलता है दैट मीन्स किस पर, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ एफिशिएंसी। तो अगर बोला गुरुदेव मैं एफिशिएंसी इसकी फाइंड आउट करता हूं, अगर मैं एफिशिएंसी इसकी फाइंड आउट करता हूं तो हम लोग क्या कहेंगे, एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है, बोले सर इट इज आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो आउटपुट बेसिकली आप क्या कहते हैं, बोले सर अगर साइकिल से हम लोगों को मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, बोले सर देयर इज अ डब्ल्यू नेट नेटवर्क आउटपुट, और हम लोग क्या कह देंगे दैट मीन देयर इज अ हीट सप्लाई, राइट। अच्छा अब हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क आउटपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोले सर इट इज द हीट सप्लाइड माइनस में हीट रिजेक्शन अपॉन में व्हाट, बोले सर इट इज द हीट सप्लाई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो नेट वर्क आउटपुट होता है वो क्या होता है, इट इज द समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट। अब इसी के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं दैट मीन देयर इज अ 1 माइनस इट इज द रेशियो ऑफ हीट रिजेक्शन टू द हीट सप्लाइड, क्लियर है। तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या आ गई, इट इज 1 माइनस क्यू आर बाय क्यू एस, और ये बेसिकली क्या है बेटा, इट इज ऑफ थर्मल एफिशिएंसी। ये जो आप निकाल रहे हैं ये किसका एक्सप्रेशन है, ये थर्मल एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डायग्राम है हमारे पास उससे हम लोग हीट सप्लाई निकालेंगे, हीट रिजेक्शन निकालेंगे, उसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, उसके बाद हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब अगर हम देखते हैं सिंपली दैट मीन्स मैं आप लोगों को बताऊं मेरे बच्चे कि अगर हम बात करते हैं हीट रिजेक्शन जो है वो किस पर होता है, बोले सर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, हीट रिजेक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। तो हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सर हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट मीन्स इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे कि बोले सर इट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा किसके बराबर हो जाएगा, बोले सर इट इज एम सी वी डी टी। तो हम लोग क्या कह देंगे दैट मीन्स देयर इज अ टी फोर माइनस व्हाट, बोले सर इट इज टी वन। तो हीट रिजेक्शन आपका आ गया एम सी वी टी फोर माइनस टी वन। सेम एज अगर मैं लिखता हूं बोले सर हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई मेरा क्या होगा, हीट सप्लाई किस पर हो रहा है, बोले सर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। तो मुझे बताइए हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे बोले सर इट इज चेंज इन एंथैल्पी, इट इज चेंज इन एंथैल्पी, एंड चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू व्हाट, बोले सर इट इज एम सी पी डी टी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोले सर इट इज टी थ्री माइनस में टी टू। ये मैंने कहां से लिखा मेरा बच्चा, ये जो डायग्राम है मैंने वहां से लिखा। आप देख सकते हैं 2 टू 3 इज हीट सप्लाई, तो टी थ्री माइनस टी टू, एंड 4 टू 1 इज द हीट रिजेक्शन, इट इज टी फोर माइनस टी वन, क्लियर है, राइट। अब हमने क्या किया, ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। जब ये वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को दिखाई देगा कि सर इट इज 1 माइनस एम सी वी टी फोर माइनस टी वन, जो अभी हम लोग कैलकुलेट करके आए। उसके बाद हम लोग कह देंगे बोले सर इट इज एम सी पी टी थ्री माइनस टी टू, राइट, बोले सर हाँ। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, हम लोग कह देंगे सी वी बाय सी पी क्या होता है, बोले सर सी पी बाय सी वी होता है गामा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोले सर इट इज 1 बाय गामा। तो हमारी जो एफिशिएंसी है उसका जो एक्सप्रेशन है वो आपका क्या आ गया, बोले सर इट इज 1 माइनस टी फोर माइनस टी वन डिवाइडेड बाय गामा इंटू व्हाट, बोले सर टी थ्री माइनस टी टू। तो ये मेरे पास क्या आ गई, बोले सर इट इज द इक्वेशन नंबर 1, इट इज द डीजल साइकिल एक्सप्रेशन, क्लियर है। अब यहीं पर जाके आपका एक्सप्रेशन खत्म नहीं होता है, इसके बाद हम लोगों को आगे चलना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, वेरी सिंपली दैट मीन्स अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में बहुत ज्यादा बड़ा आप लोगों को दैट मीन्स डेरिवेशन किया हुआ है। हम लोग इतना करेंगे सो दैट हम लोगों को समय भी कम लगे और जो मार्क्स हम लोगों को मिलने हैं वो भी हम लोगों को क्या मिले, पूरे मिले,
क्लियर है? तो आप देख सकते हैं, तो मैंने यहां पर, मैं यहां पर क्या करता हूं, मुझे पता है T4, T1, T3 and T2 आर द डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को क्या करता हूं, यानी T2, T3, T4 को सारे टेम्परेचर को क्या करता हूं, T1 की फॉर्म में लिख लेता हूं। क्या करता हूं, T1 की फॉर्म में लिख लेता हूं। अब T1 की फॉर्म में लिखेंगे सो दैट हम लोग क्या करेंगे, T2 को T1 की फॉर्म में लिखा, T3 को T1 की फॉर्म में लिखा, T4 को T1 की फॉर्म में लिखा, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सर जब ये कैलकुलेशन हम लोगों को करना है तो उससे पहले हम कुछ पैरामीटर्स अज्यूम करेंगे। जो पैरामीटर हम लोगों को क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे इन ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी, डीजल साइकिल एफिशिएंसी। लाइक आर मैंने बोला इट इज द कंप्रेशन रेशियो, आर मैं बोल रहा हूं आर क्या है, बोले सर आर इज द कंप्रेशन रेशियो। रो हम लोग बोल रहे हैं, रो इज व्हाट, बोले सर रो इज कट ऑफ रेशियो। एंड आर ई इज व्हाट, बोले सर इट इज द एक्सपेंशन रेशियो। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, आर जो है इट इज द कंप्रेशन रेशियो, और हम लोग बात करेंगे बोले सर जो मेरा कट रो है वो क्या है, इट इज द कट ऑफ रेशियो एंड आर ई इज द एक्सपांशन रेशियो। क्लियर है? अब आप कहेंगे कि सर ये जो रेशियोज हैं दीज आर व्हाट, ये क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा ये ऑल आर, ऑल रेशियो आर ऑफ वॉल्यूम रेशियो। किसके रेशियो है ये, वॉल्यूम के रेशियो है। दैट मीन्स मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इनके, सिंपली मैं आपको बता देता हूं। तो ये क्या है, वॉल्यूम रेशियो है। तो अगर मैं कंप्रेशन रेशियो को वॉल्यूम रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहूं तो हम लोग कह सकते हैं इट इज व्हाट, इट इज v1 बाय v2। ये मेरा क्या होगा भैया, इट इज v1 बाय v2, राइट? बोले सर हाँ। अगर मैं कट ऑफ रेशियो की बात करता हूं तो कट ऑफ रेशियो हम लोग लिखेंगे इट इज v3 बाय v2, और अगर मैं एक्सपेंशन रेशियो की बात करता हूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, इट इज v1 बाय what, बोले सर इट इज v3, इट इज v1 बाय v3। दैट मीन्स आप देख सकते हैं, तो हम लोग कह देंगे सर ये कंप्रेशन रेशियो क्या है, कंप्रेशन रेशियो इज व्हाट, बोले सर इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ड्यूरिंग व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ड्यूरिंग व्हाट, बोले सर ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस। एक्सपेंशन रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस, और बोला सर ये क्या होगा, बोला सर इट इज द रेशियो ऑफ कट ऑफ रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ड्यूरिंग द फ्यूल सप्लाई, ठीक है? तो हम एक्सपेंशन आपका ये, तो आपका क्या आ जाएगा v4 बाय v3, तो v4 बाय v3 को अगर मैं लिखूंगा तो v4 को मैं v1 पुट कर सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरा v1 बाय v3। क्लियर है यहां पर? बोले सर हाँ। हम लोग देखते हैं अब यहां से, हम लोगों को कुछ थोड़ा सा यहां पर देखना है कि सर जो एक्सपेंशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो और जो कंप्रेशन रेशियो है इनके बीच में कोई रिलेशन होता है। डेफिनेटली बेटा एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है जो आप लोगों को काम आएगा। ये रिलेशन मैं आप लोगों को बता ही देता हूं सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर अगर सपोज दैट बेटा मैं क्या करूं, v2 से ही डिवाइड करवा दूं और v2 से ही मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोई प्रॉब्लम आपको, तो सर कोई प्रॉब्लम मुझे यहां पर नहीं आएगी। अब आप एक चीज देख सकते हैं, आप मुझे बताइए दिस इज व्हाट v1 by v2 आपने कहीं देखा है, बोला सर डेफिनेटली देखा है, v1 by v2 is what, it is the compression ratio, right? अच्छा, अब मैं आपसे बोलना चाहूंगा मेरे बच्चे, आपने एक और चीज देखी है कहीं, बोला सर क्या, that means there is a v2 by v3 आपने कहीं देखा, तो बोला सर हमने v2 by v3 कहीं नहीं देखा, हमने v3 by v2 देखा है, बोला सर कहां है, ये रहा, और ये क्या होता है, इट इज द कट ऑफ रेशियो। तो मैं कह सकता हूं इट इज द रेसिप्रोकल ना, बोला सर राइट। तो यहां पर आप देख के लिख सकते हैं क्या, यहां पर आप लिख सकते हैं क्या कि बोला सर इट इज द कंप्रेशन रेशियो एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर इट इज कट ऑफ रेशियो, इट इज कट ऑफ रेशियो। तो मैं क्या कह दूंगा, इट इज आर बाय रो। क्लियर है? तो ये आपका एक्सपेंशन रेशियो बेसिकली क्या आ गया, बोला एक्सपेंशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ कंप्रेशन रेशियो टू द कट ऑफ रेशियो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ध्यान रखेंगे बेटा, यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाता है, यहां से न्यूमेरिकल पूछ लेता है, थ्योरेटिकली पूछ लेता है। अगर आप गेट वगैरह की तैयारी आपने की है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी वगैरह की है, तो वहां पर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल यहां से पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद, अब मैंने जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कौन कौन से पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उनके क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम लोगों ने देख लिया सारी चीजें मैंने आपको। अब हम चलते हैं अपनी एफिशिएंसी पर। तो हम लोगों को क्या करना है, जितने भी टेम्परेचर है T2, T3, T4, इनके जो
इनकी जो वैल्यूज है वो T1 की फॉर्म में लेके आनी है। तो हम सिंपल दैट मीन्स यहां पर क्या करेंगे, सिंपल दैट मीन्स हमको चीजें करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, लिखते हैं सर प्रोसेस 1 to 2। सिंपल सिंपल सारी चीजें करेंगे हम लोगों को, कोई बहुत बड़ा नहीं करना। 1 to 2 क्या है आपका, कंप्रेशन प्रोसेस है। 1 to 2 है बोले सर इट इज माय कंप्रेशन प्रोसेस। और कंप्रेशन कैसा हो रहा है बोले सर रिवर्सिबली एडियाबेटिक। जब रिवर्सिबली एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है तो मैं ये लिख सकता हूं बोले सर इट इज T1 by T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, V1 by V2 की पावर व्हाट, V1 by V2 की पावर व्हाट बोले सर इट इज द गामा माइनस वन। ठीक है, अब आपको पता है V1 by V2 क्या है बोले सर R इज कंप्रेशन रेशियो, तो हम लिख सकते हैं बोले सर इट इज गामा माइनस वन। अगर यहीं से मैं देखूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, T1 इनटू व्हाट, R की पावर गामा माइनस वन। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, T2 को आपने क्या किया, T2 को आपने T1 की फॉर्म में निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहां पर T3 निकालते हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, T3 निकालेंगे। अब हम बात करते हैं 2 to 3 अगर मैं प्रोसेस की तरफ जाता हूं तो 2 to 3 क्या है बोले सर इट इज द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन इसके लिए लिखता हूं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा बोले सर ये हो जाएगा P2V2 अपॉन में T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, P3V3 इज इक्वल्स टू T3, राइट, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कॉन्स्टेंट प्रेशर है 2 to 3 तो मैं कहना चाहूंगा ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएंगे आपके, दोनों इक्वल है, दैट मींस कट जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, V2 by T2 किसको, V3 by T3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इट इज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बोले सर इट इज T3 by T2 इंटू वॉट बोले सर इट इज V3 by V2। बोलिए मेरे बच्चे, बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें पता है V3 by V2 इज व्हाट, V3 by V2 इज व्हाट बोलो सर इट इज द कट ऑफ रेशियो। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि बोलो सर इट इज रो इनटू T2, लिख सकता हूं इसको, इट इज द रो इनटू T2 बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। T2 की वैल्यू यहां पर आपके पास है तो आप यहां पर लिख सकते हैं बोला सर T3 इज इक्वल्स टू व्हाट, रो T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस वन। किसी को कोई दिक्कत भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली दैट मीन्स हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और हम इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं कर रहे, राइट बोले सर बिल्कुल चीज ठीक है, बिल्कुल बोला गुरुदेव ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों के साथ यहां पर आता हूं तो मैं बात करता हूं बोले सर 3 to 4, हम लोग बात करते हैं 3 to 4। 3 to 4 क्या है बोले सर एक्सपांशन है, 3 to 4 क्या है एक्सपेंशन है। और ये भी कैसा है बोले सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लिख दें भैया बोले सर लिख दीजिए। तो अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा T3 by T4 इज इक्वल्स टू वॉट बोले सर इट इज V4 by V3 की पावर गामा माइनस वन, राइट। अभी हम पीछे करके आए, V4 को मैं V1 लिख सकता हूं बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको V1 लिख दिया। अब V1 by V3 अभी आप देख के आए हो क्या है, V1 by V3 अभी आप देख के आए हो, V1 by V3 आपका क्या है बोले सर V1 by V3 में एक्सपेंशन रेशियो, और एक्सपेंशन रेशियो आपका क्या है बोले सर इट इज द रेशियो ऑफ कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो। ईच एंड एवरीथिंग जो मैं लिख रहा हूं आप लोगों को लिख के आनी है, क्योंकि जब तक आप एग्जामिनर को यह नहीं बताएंगे कि आपने क्या अज्यूम किया है, किस तरीके से चल रहे हो, तब तक वो आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन दैट मीन्स ये बहुत सिली है, मैं बोल के कर रहा हूं दैट्स व्हाई आपको लग रहा है। अगर आप पेपर पेन लेके खुद से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, राइट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बोला सर आर की पावर रो की पावर गामा माइनस वन, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की वैल्यू रखी गामा माइनस वन मेरे पास बाहर था, गॉट इट। अब आ जाओ, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मुझे पता है कि सर इट इज T3 by T4 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आ जाएगा आर की पावर गामा माइनस वन, ये नीचे आ गया रो की पावर गामा माइनस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग लिख दिया उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब आपको आपने T2 की वैल्यू T1 की फॉर्म में निकाल ली, T3 की वैल्यू T1 की फॉर्म में निकाल ली, अब आपको क्या करना है बोले सर अब मुझे T4 की वैल्यू मुझे T1 के फॉर्म में चाहिए।
राइट। अब मैं क्या करता हूं, टी फोर की वैल्यू मुझे चाहिए। अब इस टी फोर को अगर मैं यहां ले जाऊं और इसको मैं यहां ले आऊं तो कोई दिक्कत किसी को? देखो हमने क्या किया, सॉरी इसको यहां ला कर रखते हैं। हम क्या करते हैं, टी फोर यहां ले जाते हैं भैया, टी फोर हम लोग यहां लिखते हैं, टी फोर इधर गया, ये नीचे आ गया। जब ये नीचे आ गया तो आपके पास क्या बचा, टी थ्री इंटू रो की पावर गामा माइनस वन ऊपर चला गया और नीचे मेरे पास क्या आ गया, आर की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, आर की पावर गामा माइनस वन, राइट। अब देखो टी थ्री की वैल्यू ये पुट कर दूं, टी थ्री की वैल्यू पुट कर दूं, मतलब सर बिल्कुल आप टी थ्री की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब टी थ्री की वैल्यू आप ये पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या है, रो की पावर गामा माइनस वन इंटू रो एक, दूसरा टी वन और एक आ गया आपका रो की पावर गामा माइनस वन। मैंने ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी। जब ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट करी मेरा शेर, तो मैं कहना चाहूंगा यहां पर खून खच्चर, बोला सर ये कट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां देख सकते हो रो की पावर गामा माइनस वन इंटू रो इंटू टी वन। अब इस वाले को आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, बोला सर रो की पावर इंटू रो की पावर माइनस वन। बोला सर हाँ, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, बोला सर ये क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा रो, तो रो से रो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा जो टी फोर है ये आपका क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज रो की पावर गामा इंटू टी वन, राइट राइट। बोला सर डेफिनेटली मेरे पास ये आ जाएगा। तो आपने क्या किया, टी फोर की टी वन की फॉर्म में निकाल दिया, टी टी को टी फॉर्म की निकाल दिया, टी टू को टी वन की फॉर्म में निकाल दिया। अब आप यहां वैल्यू पुट कर दो, कहां पर, इन इक्वेशन नंबर वन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी टू टी थ्री टी फोर, आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी थ्री टी फोर एंड टी टू इन द इक्वेशन नंबर वन। तो जब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर वन बेसिकली आपके पास क्या आई थी, इक्वेशन नंबर जो वन है, मैं नीचे चले उसको रब कर दे, इक्वेशन नंबर ये आपकी आई थी, इसको हम रब रब कर लेते हैं। मुझे किस लिए चाहिए, अभी नहीं चाहिए ना, सो दैट आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यही हम देख लेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब यहां से हमको वैल्यू पुट करनी है, तो यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे दिख जाएगा इट इज वन माइनस टी फोर की वैल्यू मेरे पास क्या आई, बोला सर इट इज टी वन इंटू रो की पावर गामा। ऐसे करते जाओ, अभी माइनस टी वन की वैल्यू, टी वन है आपका, T1 है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कैसे रख दो। अब T3 की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आई थी, एक बार चेक करें, T3 की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आई भैया, T3 की वैल्यू आई रो T1 इंटू गामा के माइनस वन, सॉरी T4 निकालना है ना पहले, हमको पहले T3 की वैल्यू रखनी है। तो आ जाएगा रो इंटू T1 इंटू आर की पावर T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, T2 की वैल्यू आपके पास क्या आई, T की वैल्यू आ गई T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस वन। और कोई वैल्यू है आपके पास ऐसी, कोई वैल्यू यहां पर नहीं है। अब आप देख सकते हो यहां पर हर चीज जो है वो T1 लगाओ, ऊपर से T1, यहां से T1 को मिलेंगे, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा। जब T1 आपका कैंसिल हो जाएगा, सर आपके पास क्या बचेगा, रो की पावर दिस, दिस की पावर दिस, दिस की पावर दिस, ये चीज बचेगा। अब आप यहां पर सीधा आप कुछ मत करो, सिंपली दैट मीन्स आपको क्या करना है, कहते हैं हम यहां लिख देंगे आफ्टर सिंप्लीफाई, सीधा आप कुछ नहीं करना है, आफ्टर सिंप्लीफाई, आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट हम लिख देंगे आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट। तो यहां पर सीधा सीधा लिख दीजिएगा, बोले सर इट इज वन माइनस रो की पावर गामा डिवाइडेड बाय आर की पावर गामा माइनस वन इंटू व्हाट, रो माइनस वन इंटू रो इंटू रो, ये थोड़ा उधर ले जाओ, इंटू रो। दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, डीजल साइकिल, राइट। ये आपके पास क्या आ जाएगी, अब सीधा सीधा आपको सिर्फ इतना लिखना है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन
दैट मीन्स वॉट बोलो सर, वी गेट दिस। तो ये क्या है, इट इज द एक्सप्रेशन। यहां पर सारी चीजें आपको पता है, रो इज द कट ऑफ रेशियो। क्यों, आप पहले आप उसको बता के आ चुके हो, उसको पहले आप बता के आ चुके हो कि रो क्या है। बोला सर रो कट ऑफ रेशियो है, गामा मेरा स्पेसिफिक इंडेक्स है और आर्गुमेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज द एक्सप्रेशन एफिशिएंसी फॉर डीजल साइकिल। गॉट इट बोला सर हाँ। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, जो सेमेस्टर एग्जाम देते हैं उनके लिए यहां तक ठीक है। अब बात यहां पर आ जाती है सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए, तो थोड़ा सा हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने सर एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहां पर कर लिया क्वेश्चन, अब यहां तक बात हुई है तो सर कॉम्पिटिटिव वालों के लिए क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो बेटा यह पूछा जाएगा कि सर व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो। यहां पर जो कंप्रेशन रेशियो है कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं इट इज 16:22। ये आपसे पूछा जाएगा फॉर द डीजल साइकिल व्हाट शुड बी द कंप्रेशन रेशियो, तो आप कह देंगे 16:22 हो गया, ठीक है। एक चीज और यहां से पूछी जाती है, कहता है इफ कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेस कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेस देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल वुड इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे आप लोगों को पता है यहां पर गामा है, गामा भाई डीजल साइकिल है वो मेरी क्या है, एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, तो एयर इज यूज एट वर्किंग फ्लूइड, तो गामा एवरी टाइम हम फिक्स होगा, एज यूजुअल अजम्पशन है हमारी। तो हमारे पास सिर्फ दो चीजें होंगे यहां पर जो पैरामीटर चेंज करेंगे, वो क्या बोले सर, एक रो और एक कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो रो और अगर मैं कंप्रेशन रेशियो भी बढ़ाऊं कट ऑफ रेशियो बढ़ाऊं तो डीजल साइकिल क्या करेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी घटेगी, या हम लोग कह दें कि अगर मैं आर बढ़ा दूं और कट ऑफ रेशियो घटा दूं, आर बढ़ा दूं कट ऑफ रेशियो बढ़ा दूं तो मेरी डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या करेगी, ये क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है। एक चीज क्लियर है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि अगर आर बढ़ रहा है कट ऑफ रेशियो भी बढ़ रहा है, तो आप सीधा सीधा बोल देना कि भाई जो एफिशिएंसी है वो डीजल साइकिल की डिक्रीज करेगी। एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल डिक्रीजेस, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल डिक्रीजेस, और अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है कट ऑफ रेशियो घट रहा है, तो आप कह देंगे कि बोले सर थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेस। क्लियर है, गॉट इट, बता देंगे बोले सर हाँ। अब एग्जामिनर जो है वो यहीं तक खत्म नहीं होता है, वो कुछ और पूछता है। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, वो पूछता है कि अगर मैं कंप्रेशन रेशियो सेम रखता हूं, कंप्रेशन रेशियो को नहीं छेड़ता हूं, तो बचा क्या भाई, आपने गामा में फिक्स कर दिया, कंप्रेशन रेशियो भी फिक्स कर दिया, अब बचा क्या, रो। तो हम लोग क्या कह देंगे, इफ यू इंक्रीजेस रो, कहता है कि मैं अगर रो को इंक्रीज करता हूं देन एफिशिएंसी क्या होगी, और अगर गुरुदेव मैं रो को घटा देता हूं, आपने गामा में फिक्स रखा, कंप्रेशन रेशियो भी फिक्स रखा, दोनों चीजें आपने फिक्स कर दी, फिर अगर आप कट ऑफ रेशियो बढ़ाते हो डीजल साइकिल के अंदर, तो एफिशिएंसी क्या करेगी, वो पूछता है आपसे, ठीक है। और तो आप कह देंगे कि बोले सर इट विल डिक्रेजेस, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल व्हाट डिक्रेजेस, कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी, और अगर हम कहते हैं कट ऑफ रेशियो बढ़ रहा है, कंप्रेशन रेशियो अगर घटता है, अगर कंप्रेशन रेशियो सेम रखा, गामा सेम रखा, अगर कट ऑफ रेशियो घट रहा है तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल बढ़ेगी, और अगर कट ऑफ रेशियो बढ़ रहा है तो डीजल साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी घटेगी, ठीक है। तो इस बोर्ड पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बताता हूं, एक एक्सप्रेशन सीधा सीधा पूछ लेता है, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, यानी छह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पे मैंने यहां पर आप लोगों को दिखा दिए। तो होप सो आप लोगों को एक्सप्रेशन वेरी एक स्मॉल स्टेप में, दैट मीन ज्यादा स्टेप हम लोगों ने नहीं लिए, वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और साथ साथ मैंने कंपटीशन एग्जाम पे जो फोकस कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया कि भाई इसमें यही एग्जामिनर आप लोगों से इन क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है, वो यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा।
तो होप सो कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगी। बोला सर नहीं, यहां तक हमारे ओके है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, और पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।